नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार चैट। रायबरेली के प्राइमरी पाठशालाओं की स्थिति है बहुत दयनीय। रायबरेली के विकास खंड खीरो की ग्राम खजुआ में विद्यालयों की स्थिति है जर्जर, जहां वर्षों से ग्राम प्रधान और प्रधानाचार्य के सतत प्रयास के पश्चात आज भी विद्यालय 70 साल पहले जैसी पाठशाला बनी हुई है। न ही विद्यालय में चार दीवारी है और न ही विद्यालय में कोई सुविधा है, न ही विद्यालय में सफाई कर्मी आता है, न ही विद्यालय की साफ सफाई हो पाती है, जिससे विद्यालय में छोटे छोटे मासूम बच्चे चाट पल्ली में बैठने को बेबस हैं और चार दीवारी न होने के कारण बाहरी जानवर आकर के अपना बसेरा बनाए हैं। जहां विद्यालय की प्रधानाचार्य सुमन लता से समाचार जेट की टीम ने जब बातचीत की तो उन्होंने बताया कि कई बार विद्यालय की चार दीवारी को लेकर अधिकारियों के चक्कर काटे हैं, लेकिन आज तक विद्यालय में कोई सुविधा उपलब्ध नहीं हुई है, न ही चार दीवारी बनी है, जिससे छोटे छोटे मासूम बच्चे को लैट्रिन बाथरूम के लिए बाहर जाना पड़ता है, क्योंकि लैट्रिन बाथरूम बहुत ही गंदे हैं, कभी सफाई नहीं होती है। जहां आज स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है, वहां आज भी विद्यालयों में सफाई के नाम पर खिलवाड़ हो रहा है। जहां विद्यालयों में टाइल्स और मार्बल लग गए हैं, पंखे लग गए हैं, वहीं आज खजुआ के विद्यालय में कोई भी सुविधा नहीं है, जिससे विद्यालय में छोटे छोटे बच्चे जमीन पर बैठने के लिए मजबूर है। चार दीवारी न होने के कारण विद्यालय बना है गौशाला। समाचार जेट के लिए रायबरेली से शंकर दयाल शर्मा की रिपोर्ट। मैडम, एक किस ग्राम सभा में विद्यालय आता है? ये ग्राम सभा खीरो लगती, ग्राम पंचायत खजुआ। खजुआ में? हाँ। क्या नाम है आपका? सुमन लता। विद्यालय में किस पोस्ट पे हैं? इंचार्ज पोस्ट। तो विद्यालय में क्या क्या समस्याएं हैं? सर, समस्या ये है कि एक तो ये विद्यालय जैसे बिल्कुल खेतों के बीच में बना हुआ है, और ये विद्यालय कायाकल्प में है। कायाकल्प में होने के बावजूद भी लगातार मैं देख रही हूँ कि कहने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई है, ना ही यहाँ पर बाउंड्री बनी है, और जैसे टाइल्स वगैरह लगने थे। मैं अन्य विद्यालयों का कायाकल्प देखती हूँ तो लगता है कि अगर हो जाता तो बेटर था इस स्कूल के लिए, लेकिन कोई कार्य आगे नहीं बढ़ा। तो बाउंड्री न बनने से क्या क्या समस्याएं आ रही हैं? समस्याएं ये आती हैं कि जानवर जैसे दिन भर घूमते हैं, यहाँ गाय जो अन्ना घूम रही हैं वो लैटिंग कर जाती हैं, सफाई कर्मी आता नहीं है, तमाम गंदगी फैलाते हैं, गांव क्षेत्र के लोग हैं, बाद में क्रिकेट खेलते हैं, वो सब ईंटे उटे फैलाकर चले जाते हैं। तो आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जब कायाकल्प में विद्यालय है तो अन्य विद्यालयों की तरह इसका भी जीर्णोद्धार होना चाहिए। क्या इससे पहले कभी आपने कोई शिकायत की है? हाँ बिल्कुल, शिकायत की मैंने कई बार, अपने प्रधान जी से संपर्क किया, आश्वासन लगातार आज भी मिल रहा है मुझे कि मैडम हो जाएगा, चार दिन बाद काम शुरू होगा, आठ दिन बाद काम शुरू होगा। यही करते करते लगभग समय गुजर रहा है, डेढ़ दो साल हो गए। किसी अधिकारी को शिकायत की? अधिकारी को मैंने एक बार फोन द्वारा ही संपर्क हुआ, मैंने बीडीओ साहब से भी बात की, सेक्रेटरी से तो कई बार मैंने बात की, अपने खंड शिक्षा अधिकारी से भी मैंने इस विषय पर बात की, प्रधान जी से, अन्य अधिकारी जो भी हमारे संपर्क में है उनसे मैंने संपर्क किया। फिर भी विद्यालय में कोई कायाकल्प नहीं हुआ? नहीं, कोई कायाकल्प नहीं हुआ।